पिछले कई दिनों से देखा जाए तो संपूर्ण भारत में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट जारी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बात करेंगे हम वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र की। अनलॉक में हम पहले लेवल 3 में थे, फिर लेवल 2 में आए। लेवल 2 में आने के बाद जनता ने उसका दुरुपयोग किया। जो अपने को छूट मिली थी कि अत्यावश्यक सेवा के लिए ही और काम के लिए ही बाहर निकलना है, पर वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में आप चाहे राजौड़ी बीच देखिए, अरनाला बीच देखिए या अनेक पर्यटन के स्थल देखिए, वहाँ ऐसी भीड़ लगी थी जैसे उनको बरसों बाद मौका मिला हो घर से बाहर निकलने का। क्या हम तीसरी लहर को निमंत्रण दे रहे हैं? क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं है संक्रमण बढ़ाने में? आज अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वसई विरार महानगर पालिका कई छोटी महानगर पालिकाओं से विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुई है, पर आज मैं आप आंकड़े बता रहा हूं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश। कल का अर्थात 23 जून का मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको। वसई विरार महानगर पालिका में 138 पॉजिटिव केस दर्ज हुए, वहीं राजस्थान में मात्र 137, गुजरात में 135, मध्य प्रदेश में 65 और झारखंड में मात्र 136 केस दर्ज हुए। यही अगर मौत का आंकड़ा देखा जाए तो वसई विरार महानगर पालिका में 4 मौत दर्ज की गई, जबकि राजस्थान में 3, गुजरात में 3 और झारखंड में 2 मौत दर्ज की गई और मध्य प्रदेश में 0। तो क्या हम जिम्मेदारी से बच नहीं सकते? क्या हम खुद आमंत्रण दे रहे हैं? क्या हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? अगर हम लेवल 4 में जाएंगे तो उसके जिम्मेदार महानगर पालिका नहीं, आम जनता हम इसकी जिम्मेदार रहेगी। अभी से चर्चा का विषय बन गया कि सोमवार से वापस प्रतिबंध लग सकता है, मात्र 7 से 11 बजे तक हमको छूट मिलने वाली है। तो इसके जिम्मेदार न पुलिस प्रशासन, न नगर पालिका प्रशासन, इसके जिम्मेदार आम नागरिक है। हम खुद न्योता देते हैं कोरोना संक्रमण को चौथी लेवल 4 में आने के लिए, और तीसरी लहर में भी अगर आएंगे तो हम खुद इसके जिम्मेदार होंगे। और मात्र पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को जिम्मेदार क्यों बनाया जाता है? आप देखिए हमारे वीडियो के से कितनी भीड़, कितना ट्रैफिक और लोग अभी भी नहीं समझ रहे, बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। तो मेरा जनता से अनुरोध है कि अपनी जिम्मेदारी भी समझिए, मात्र प्रशासन पर जिम्मेदारी मत दीजिए। हम खुद समझदार हैं, अगर हमको बचना है तो हमको भी सावधान होना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें वैक्सीन की, वैक्सीन पर यहाँ वसई विरार महानगर पालिका में जितनी होनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है। लोग धक्के खा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर में, वहाँ भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। अगर कोरोना से बचने का उपाय है तो एक तो है वैक्सीन, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, और जरूरत हो तभी बाहर निकले। धन्यवाद। वसई विरार समाचार, दिलीप कावेरिया।